सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये कोई ब्लॉग कंटेंट नहीं है, ये थोड़ा एक अवेयरनेस वाला एक मतलब मेरे को ऐसा लगा कि एक अवेयरनेस डालना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, आप लोग ने ऐसे सुना ही होगा कि जैसे कि अभी बहुत बार लोगों को मैसेजेस आते हैं, सादे मैसेज, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आती है, मेल्स पे कुछ मेल्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से बहुत स्कैम बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ स्कैम्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा भी देखे गए हैं। हाल ही में मेरे बहुत एक करीबी दोस्त है, उनके साथ में भी ऐसा कुछ हो चुका था, जिनका अच्छा खासा यूट्यूब चैनल भी है, जैसे हमारा भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उनका भी तो बहुत अच्छा ग्रो ऑलरेडी हो चुका है, तो उनके साथ भी ये स्कैम हो चुका था। सो पहला ऐसा है कि देखो, आप लोग को एक मैसेज आते होंगे जैसे आपके पेटीएम में इतने पैसे मतलब खाते में आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है जो जिसमें ऐसा हमको देख के ऐसा लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें ऐसा है कि जैसा आप उस मैसेज पे जाते हो, वो एक आपको वेबसाइट पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देते हैं, और रिडायरेक्ट होने के बाद में उसमें ऐसा है कि जैसा आप उस पर रिडायरेक्ट होते हैं, आपको कुछ डिटेल्स मांगते हैं, आप उसमें डिटेल्स डालते हो तो आपका जो पूरा डेटा है वो वहाँ पर क्लोन कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक जो हमको टेक्स्ट मैसेज आता है इसमें फ्रॉड होता है। दूसरा व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक पे हमको ऐसा आता है कि व्हाट्सअप पे बहुत बार हमको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है, ये इतने में मिल रहे हैं, मतलब बहुत हेवी डिस्काउंट्स है और बहुत अच्छे ब्रांड्स का वहाँ पर नाम लिया जाता है, जिसके कारण हम उस वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। और जब हम उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या क्या वहाँ पर करते हैं, हमारे जो एल्गोरिदम चल रहा है वो एल्गोरिदम वो पूरा कैच करते हैं, और उसके हिसाब से हमको फिर मैसेजेस भेजना चालू करते हैं। और हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे, जैसे आप लोग भी करते होंगे कि ऑनलाइन हम जब पे करते थे, हेवी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो हमारी जो डिटेल्स है वो पूरा वहाँ चले जाता है। आप लोग को जैसा पता ही होगा कि अभी बहुत सारे जैसे सिम कार्ड्स वगैरह हम जब लेने जाते हैं तो कंपनी हमसे एक साइड बाय साइड एक नंबर मांगती है, जैसे कि अभी जैसे हमने कोई नया सिम कार्ड खरीदा तो हमको एक वहाँ पे एक नंबर देना पड़ता है जो हमारा चालू है, क्योंकि वो एक वेरिफिकेशन में आता है। तो ये लोग बहुत अच्छा खासा डाटा है जो यहाँ से लेके जाते हैं, मतलब डाटा तो हर जगह सेल होता ही है, आप लोग को पता ही होंगे कि भाई बहुत सारे जगह जैसे देखने में आया कि डाटा बहुत जगह सेल हुआ था, तो एक हेवी अमाउंट में डाटा सेल हो जाता है कुछ बहुत मिनिमम चार्जेस में, तो वो डाटा से लेके हमारा जो नंबर है उनको मिलता है, और हमारे नंबर में भी आधार कार्ड से लेके हर चीज़ लिंक्ड रहती है, जिसके कारण ये फ्रॉड बहुत बड़ी मतलब अभी बहुत बड़ी इस पर हो रहा है। बीच में शायद एक वेब सीरीज भी आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो वेब सीरीज में बताया गया कि किस तरीके से फ्रॉड होता है, हमको कॉल्स वगैरह आते हैं। अभी हम लोग तो बहुत अवेयर हो चुके हैं, जैसे कि बीच में भी जैसे एटीएम वगैरह के लिए हमको फ़ोन आता था तो हम उस पर जब रिसीव करते थे तो बोलते थे हमको कि आपका एटीएम बंद हो चुका है। और इसमें कैसा कि जो मतलब जो विलेजर्स लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ के बारे में, अभी तो यूथ बहुत ज़्यादा इसमें अवेयर हो चुका है, तो इन लोग क्या करते थे कि ऐसे टाइम पे कि वो जो फ़ोन कॉल करते थे वो लोग हमको डिटेल्स मांगते थे, तो डिटेल्स जैसा हमने उनको दिया तो हमारा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकल जाता था। तो इस तरीके से भी स्कैम्स बहुत बहुत बड़े तौर पे हो रहे हैं। और अभी तो ऐसा है कि जैसा हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, तो यहाँ पे भी बहुत तरह भी मतलब देखा गया कि यूथ बहुत अच्छा ऐसा है कि ये लोग ना लाइक्स बाय करते हैं, उसके बाद में फॉलोअर्स बाय करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट से जैसे कोई बाय करने जाते हो तो वहाँ पर आपको वो इंस्टाग्राम आईडी का या फिर कोई भी चीज़ का वहाँ पे वो प्रॉपर आपको पूरा लॉगिन मांगता है, और वो लॉगिन होने के बाद में आपका पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स उनके पास में चले जाते हैं, मतलब जो अकाउंट आप चला रहे हो सेम अकाउंट वो भी चलाते हैं, और उससे जो फ्रॉड है, जो स्कैम्स है वो होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक आईडीज बनाते हैं आपके नाम की, चेक कर लेना अगर आपकी भी कहीं बनी होगी तो, क्योंकि हमारे नाम से बहुत जगह बनी थी, हमने उनको रिपोर्ट भी किया, उनको बंद करवाया। तो ऐसा भी होता है कि फेक आईडीज बनती है और आपके नाम से लोग डोनेशन मांगते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह देखा गया है कि बोला जाता है कि हमको इस तरीके से काम करना है, सोशल काम है ऐसा वैसा, और हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इमोशनली हम उनको वो चीज़ दे देते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारा डेटा है, जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्की है कि हमारा डेटा अगर किसी के पास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से फ्रॉड सभी हो रहे हैं। और तीसरा चीज़ ऐसा है कि अभी ईमेल में जैसे आपको आता होगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि उनको मेल आया हुआ था कि ये ब्रांड्स है, जैसा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेल पे एक हमको कंपनी मेल करती है जिसमें हमको बताया जाता है कि किस तरीके से हमको वो प्रोडक्ट को आगे हमको उसके ऐड चलाना है, किस तरीके से हमको उसको प्रमोट करना है। तो उनको एक प्रमोशनल एक मेल आया हुआ था जिसमें उनकी ईमेल आईडी दी गई थी, तो वो ईमेल आईडी पे उनने रिप्लाई किया कि हाँ मैं ये करूँगा करके, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ अमाउंट पे वो लोग ने डिस्कस किया,
ये लोग इस तरीके से स्कैम करते हैं। पूरा डिस्कस किया उनने कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है, आप हमको हमारे आपके चैनल की लिंक दे दो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट्स। तो उनको लगा कि जेन्युइन है और बहुत अच्छे, मतलब जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इस तरीके के जो नाम है ये वो लोग यूज़ करते। तो अमेजोन की तरफ से उनको लिंक आया हुआ था, तो उनको लगा कि चलो ठीक है कि अमेजोन पार्टनर कर रहा है, तो उनके इसमें उनने दिया। अब उसमें होने के बाद में ऐसा हुआ कि जब उनने वो लिंक पे रिडायरेक्ट हुए, जब वो उनने पूरा अपना डाटा उनको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत जगह देखा गया कि हम बहुत बार बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं बट हमारे हाथ से कहीं ना कहीं गलती होती है, तो उनने गलती से उनका चैनल का लिंक वगैरह दे दिया। अब वही फ़ोन में उनने लिंक दिया था कि आप हमारे वेबसाइट पर जाओ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करो और उसके बाद में आपको वो चीज़ प्रमोट करना पड़ेगा। अब वो ऐसा हुआ कि उनने जब वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने गए वहाँ पे, जब उनने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो उसके बाद में सर्टन 24 आवर्स के बाद में उनका पूरा चैनल हैक हो गया और उनकी जो पूरी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन थी, उनके फ़ोन में जो उनका डेटा था वो पूरा का पूरा उसमें चला गया। जैसे कि अभी हम फ़ोन में फ़ोन पे चलाते, गूगल पे चलाते, पेटीएम चलाते, ऑनलाइन पेमेंट जो हम करते हैं उसका हमारा बैंक अकाउंट लिंक रहता है। तो इस तरीके से स्कैम बहुत बड़े तौर पर चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी व्यूअर्स हो, हमारे कोई भी सब्सक्राइबर हो जिनके साथ में ये फ्रॉड हो, तो इसलिए ये मैं बहुत मतलब रिसर्च करके ये वीडियो मैंने सोचा कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सो अगर आपके साथ में कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ होगा तो हमको बताना, और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहती है, ब्लॉग्स कब आएंगे नए, बाहर का कौन सा नया टूर अभी जल्दी आने वाला है, वो वहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट जितना भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पर आप रहते हो तो आप भी अपडेटेड रहते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर जो ब्लॉग्स जब भी हमारे आते हैं तो उसके पहले जो भी उसका अनाउंसमेंट है वो कहाँ का है, कैसा है, वो पूरा एंगेजमेंट पर आता है। तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके साथ में भी ऐसा कभी फ्रॉड हुआ होगा तो आप भी हमारे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ये कहीं स्कैम में फंसे होंगे तो प्लीज़ हमको बताना, कहीं ना कहीं अगर हम हेल्प कर सकते होंगे तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। सो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पुअर, हेल्प ईच अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।